हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टीचर्स। आज मैं आपको एक ऐसी एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके ज़रिए आप हर एंड्रॉयड ऐप का जो बेसिक फीचर है जिसे टॉर्च कहा जाता है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप टॉर्च जलाते हैं अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में, सबसे पहले आपको मोबाइल ऑन करनी पड़ती है, उसके बाद उसके टॉर्च की ऐप को तलाश करना पड़ता है, फिर इस ऐप को क्लिक करना पड़ता है, यानी इसमें एक लंबा प्रोसीजर लग जाता है। मगर जिस ऐप का आज मैं बताने जा रहा हूँ उस ऐप के ज़रिए आप इजीली टॉर्च को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी जस्ट दो बटन्स को क्लिक करके। सबसे पहले इस ऐप के लिए हम प्ले स्टोर में ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे, इस एप्लीकेशन का नाम है टॉर्ची। टॉर्ची आपने जैसे ही लिखा, ये टॉर्ची वॉल्यूम बटन टॉर्च आ गया। और फ्रेंड्स, मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मैंने ओपन किया, जैसे ही ओपन किया मैंने गॉट इट के बटन को दबाया तो ये टॉर्च फंक्शनैलिटी ऑफ है। इसको मैंने जैसे ही ऑन किया, ऑन करने के बाद एनेबल के लिए इसने मांगा। एनेबल मांगने के बाद अब हमने इस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में, जहाँ ये ऑटोमेटिक पहुँच चुका है, यहाँ पर मैंने टॉर्ची क्विक को ऑन कर दिया। और जैसे ही ये मैंने ऑन किया, अब मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ, अब आप देखेंगे ये ग्रीन हो चुका है, यानी टॉर्ची फंक्शनैलिटी ऑन हो चुकी है। मगर इस टॉर्ची के फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले मैं आप उसकी सेटिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेटिंग्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले ये कहा है कि स्क्रीन ऑन में हम टॉर्ची फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें। तो स्क्रीन ऑन में हम ऑलरेडी उसका बेसिक फीचर यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से मैं इसको अक्सर ऑफ ही रखता हूँ। लॉक स्क्रीन में टॉर्ची फंक्शन काम करे, और स्क्रीन ऑफ में, जो कि इसका बेसिक फीचर है जिसकी वजह से इस टॉर्ची ऐप की वैल्यू है, तो मैंने कहा स्क्रीन ऑफ में भी ये टॉर्ची फंक्शन काम करे और इनडेफिनेट टाइम तक करे। इनडेफिनेट टाइम इसलिए है कि हम अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकते हैं। 10 सेकेंड देने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर मैं कितने भी सेकेंड डिफाइन करूँगा तो उतने सेकेंड्स में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि इनडेफिनेट यूज़ हो, जब तक मैं खुद बंद ना करूँ तब तक ये टॉर्च जलती रहे। उसके बाद टॉर्च का टाइम आउट भी मैंने इनडेफिनेट दिया है। इसके अलावा टॉर्च की सोर्स क्या है, कि क्या वो टॉर्च जलाए या स्क्रीन लाइट कर दे। तो जैसे ही मैं स्क्रीन लाइट पे करूँगा तो वो दो बटन दबाने से स्क्रीन लाइट रहेगी, मगर हमें तो टॉर्च का फंक्शन यूज़ करना है तो मैंने फ्लैश पे क्लिक किया। उसके बाद वाइब्रेट का भी ऑप्शन है कि जैसे ही ये टॉर्च ऑन हो तो वाइब्रेशन भी साथ साथ हो, तो मैं इसको अक्सर ऑफ ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे खामखा में बैटरी ड्रेन होती है। तो फिर मैंने अपनी ये सेटिंग कर ली, और ये लीजिए अब टॉर्च फंक्शन तैयार है, ये ऑन बेसिकली रहेगा। अब आप इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, हर मोबाइल की साइड में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन होता है। जैसे ही आप दो ये बटन प्रेस करेंगे तो ये टॉर्च ऑन हो जाएगी, चाहे आपकी स्क्रीन ऑफ हो, चाहे सेल ऑफ हो, सेल लॉक हो, या ब्लैंक स्क्रीन हो। जैसे ही आपने ये दो बटन दबाने हैं तो ये टॉर्च ही फंक्शन काम करेगा और आपकी फ्लैश जल उठेगी। इससे ज़्यादा इजी तरीका मैंने फ्लैश जलाने के लिए आज तक नहीं देखा। फ्रेंड्स, इसी तरह ही मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डे टू डे डिफरेंट एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में रिव्यूज़ मिलते रहेंगे, और मैं आपके साथ अच्छी अच्छी ऐप्स शेयर करूंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।